वेलकम, आप सभी का स्वागत है माधुरी के किचन में। चलिए करते स्टार्ट। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मेथी के पराठे। ठंडा तो आ गया, तो ठंडा में क्यों ना मेथी के पराठे के मजे लिए जाए। सबसे पहले मैंने हरे भरे मेथी को ले लिया, उसको अच्छा से मैं तोड़ दूंगी डंटा से। उसके बाद मैं उसे अच्छा से पानी में धो दी। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक कप आटा लिए हैं। एक कप को आटा को एक बॉल में डालेंगे, फिर उसी कप से हम लोग आधा कप बेसन डालेंगे, फिर उसको इसमें हम लोग अच्छा से मिला देंगे। क्वांटिटी हमारा आटा से कम का होगा बेसन का। उसके बाद इसमें हम लोग अपने मेथी को डालेंगे, फिर नमक स्वाद अनुसार। मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ, बस एक थोड़ा सा मैं यहाँ पे मंगरेला अजवाइन डालूंगी। डालने के लिए तो लोग बहुत सारा चीज़ डालते हैं, बट मेरा किचन का रेसिपी स्पेशली इसलिए फेमस है क्योंकि मैं हर खाने बहुत सिंपल तरीके से बनाना सिखाती हूँ, सिंपल के साथ स्वादिष्ट भी। फिर उसके बाद मैंने इसमें सारे चीज़ डाल दिए हैं। अब इसमें हम लोग हल्का हल्का पानी डाल के हल्का हल्का हाथ से इसको एक आटा के अच्छे डो में हम लोग रेडी कर देंगे। डो हमारा बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी होना नहीं चाहिए। जब डो बन जाएगा तो उसे आधा मिनट के लिए रख देंगे। उसके बाद उसी डो को हम लोग थोड़ा सा लेंगे, जैसे नॉर्मल रोटी बेलते हैं उसको आराम से उसी में उबेलना है। साइड में मैंने यहाँ पे एक पैन भी गर्म करके रख दिया है। रोटी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि रोटी गोल हो क्या हो, बस मेथे की पराठे होने चाहिए। तो उसके बाद मैंने इसे पैन में डाल दिया है। इसको दोनों साइड से अच्छा से पकने देंगे। उसके बाद इसको हम लोग घी में सेकेंगे। घी में सेकने से इसका स्वाद और निखर के आता है। तो जब तक मैं मेथी के पराठे को अच्छा से घी में सेक रही हूँ, अरे आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ऐसे कैसे? जल्दी से वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही प्यारी प्यारी वीडियो मेरी आप तक पहुंचते रहे और मुझे मोटिवेट करें कि मैं हर दिन आपके लिए ऐसे ही बहुत प्यारी प्यारी वीडियो ला के दे रहा हूँ। टन टा, हमारे डिलीशियस मेथी के पराठे बहुत अच्छे से रेडी हो गए। आप इसे किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। मैंने इसे दही के साथ सर्व किया, थोड़ा सा प्याज के साथ सर्व किया। इसका निखार बहुत टेस्टी है, बहुत ही यम्मी है, इसे जरूर ट्राई करें। और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।